साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत के भाई नीरज सिंह बबलू के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। ये वही नीरज सिंह है जो कि सुशांत की मौत के बाद काफी चर्चा में आए थे। दुख की इस घड़ी में वो सुशांत के पापा की परछाई बने रहे। नीरज सिंह सुशांत की मौत की खबर मिलते ही परिवार के साथ तुरंत मुंबई पहुंच गए और सुशांत की बॉडी को देखने के बाद पहली बार नीरज ने ही कहा था कि ये खुदकुशी नहीं बल्कि साफ तौर पे साजिश का मामला है। और इसके बाद तो नीरज सिंह ने सुशांत के जस्टिस के लिए रात दिन एक कर दिया। नीरज ने जस्टिस फॉर सुशांत की मुहिम को देश के कोने कोने तक पहुंचा दिया। अब सुशांत के इसी भाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बहुत बड़ा तोहफा मिला है। मोदी ने खुद नीरज सिंह बबलू का नाम स्पेशल तरीके से लिया और सुशांत के भाई को उनकी मेहनत का बड़ा इनाम भी दिया है। तो माना जा रहा है कि इसके बाद सुशांत के केस को भी रफ्तार मिलेगी और सुशांत के जस्टिस की आस भी अब बढ़ती हुई दिख रही है। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और नीरज सिंह बबलू के लिए कमेंट जरूर करें। ये तो आप सभी जानते हैं कि बिहार में भले ही सरकार नीतीश कुमार की है मगर हकीकत में उस सरकार को नरेंद्र मोदी ही चला रहे हैं। ये भी सब जानते हैं कि मोदी के इशारे के बिना बिहार सरकार में एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो अब जैसे ही नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो उसमें सबसे ऊपर सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे भाई नीरज सिंह बबलू का नाम था। जी हाँ, अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे भाई नीरज सिंह बबलू को बिहार का मंत्री बना दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस दौरान नीरज सिंह अपने भाई सुशांत सिंह राजपूत की दी हुई एक खास चीज पहनकर सदन में पहुंचे। नीरज सिंह को साल 2013 में सुशांत ने शुद्ध देसी रोमांस फिल्म की शूटिंग के दौरान राजस्थान से लाई हुई एक पगड़ी गिफ्ट की थी और नीरज सिंह ने मंत्री पद की शपथ लेते हुए सुशांत की वो ही पगड़ी पहनी। और इससे भी बड़ी बात यह है कि मंत्री पद की शपथ लेते हुए नीरज सिंह बबलू फफक फफक कर रो पड़े। नीरज सिंह ने रोते रोते ही शपथ ली। अब माना जा रहा है कि नीरज सिंह के रोने की वजह कहीं ना कहीं सुशांत ही रहे हैं क्योंकि नीरज सुशांत से बहुत क्लोज थे। अब सुशांत की मौत के बाद नीरज सिंह पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा था। चुनाव से ठीक पहले अपने भाई को खो देने की वजह से नीरज काफी परेशान थे मगर इस परेशानी के बीच भी नीरज सुशांत के पापा का सबसे बड़ा सहारा बने और सुशांत की जस्टिस की लड़ाई को भी आगे तक पहुंचाया। अब आपको यहां बता दे कि नीरज सिंह बबलू बिहार विधानसभा में लगातार 4 बार चुनाव जीतकर पहुंचे हैं। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत साल 2005 में की थी जब वो राघोपुर से चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचे थे। इसके बाद साल 2010, 2015 और 2020 में वो छातापुर विधानसभा क्षेत्र से लड़े और जीते। नीरज बिहार बीजेपी के बड़े नेताओं में एक माने जाते हैं। अब नीतीश कैबिनेट विस्तार में बीजेपी कोटे से प्रमुख नाम शहनवाज हुसैन का रहा। कुल 17 मंत्रियों ने शपथ ली। बीजेपी की ओर से 9, जदयू से 8 मंत्रियों ने शपथ ली। इससे पहले नीतीश सरकार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को छोड़कर सिर्फ 13 मंत्री थे लेकिन अब इस विस्तार के बाद कैबिनेट में 30 मंत्री हो गए हैं और उसमें एक सुशांत सिंह राजपूत के भाई नीरज सिंह बबलू भी हैं। अब माना जा रहा है कि पावर आते ही नीरज एक बार फिर से सुशांत की जस्टिस की मुहिम को और तेजी देंगे और सीबीआई पर भी सुशांत केस में रफ्तार लाने और जल्द फाइनल रिपोर्ट देने का दबाव भी बनाएंगे। तो आप भी सुशांत सिंह राजपूत के भाई को लेकर कमेंट करें और वीडियो को भी शेयर करें। तो 8 जून और 14 जून को दो मौत हुई, दोनों को खुदकुशी का नाम दिया गया, वजह किसी को नहीं पता। सिद्धार्थ पिठानी ने तो अपने बयान में भी कहा था कि सुशांत दिशा की मौत के बाद परेशान हो गए थे और बार बार कहते थे कि वो लोग मुझे भी नहीं छोड़ेंगे, वो लोग मुझे भी मार देंगे। यानी कुछ तो था जो कि सुशांत को पता था। दिशा की मौत के पीछे कौन लोग है शायद सुशांत इस बात को जानते थे, तभी तो वो बार बार कहते रहे कि वो लोग मुझे भी मार डालेंगे। अब भला ये वो लोग है कौन,
इसी बात की जांच सीबीआई कर रही है। अब यहां देखिए कि 8 जून और 14 जून की दोनों वारदात कैसे एक जैसी लग रही है, कैसे आपस में कनेक्ट कर रही है। हम आपको स्टेप बाय स्टेप 7 रीजंस बताते हैं। तो पहली वजह जो संदेह पैदा करती है वो ये है कि आज के जमाने में किसी भी क्राइम में सीसीटीवी बेहद अहम एविडेंस माना जाता है, मगर ना तो दिशा सालियान की मौत वाले दिन का सीसीटीवी फुटेज मिला और ना ही सुशांत की मौत वाले दिन का सीसीटीवी मिला। सुशांत जैसे बड़े सुपरस्टार के घर या घर के आसपास कोई सीसीटीवी ना हो, एक दो खराब होंगे, आजकल तो जगह जगह सीसीटीवी होते हैं, तो क्या कोई भी सीसीटीवी नहीं मिला? क्या कोई भी सीसीटीवी फुटेज रिकॉर्ड में नहीं ली गई? और ऐसा ही दिशा के केस में भी हुआ। क्या ये सिर्फ एक इत्तफाक है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? दूसरी वजह, दोनों की मौत को खुदकुशी का नाम दिया गया, मगर हैरानी देखिए कि दोनों ही अपनी मौत की वजह नहीं बता कर गए। यानी दोनों ने ही मरने से पहले कोई लेटर नहीं लिखा, किसी को फोन नहीं किया, किसी को मैसेज नहीं किया कि आखिर वो क्यों मर रहे हैं। जबकि सुशांत तो लिखने पढ़ने के शौकीन थे, क्या वो सिर्फ 4 लाइन लिखकर नहीं जाते? कम से कम अपने परिवार के लिए तो वो लिखकर जाते कि आखिर वो क्यों अपनी जान दे रहे हैं, और ना ही दिशा ने ऐसा किया। दोनों ही केस में नो सुसाइड लेटर कहीं ना कहीं शक को और पुख्ता करता है। तीसरी वजह, दोनों की मौत से पहले पार्टी करने की बात सामने आई थी, दिशा भी पार्टी में शामिल होने गई थी और बेहद खुश थी। अब खुश थी तो अचानक 14वीं मंजिल से वो क्यों कूद गई? वहीं सुशांत की मौत के बाद भी सामने आया था कि 13 जून की रात को सुशांत के घर में पार्टी हुई थी। पार्टी वाली बात कहीं ना कहीं दोनों की मौत को कनेक्ट कर रही है। चौथी वजह, दोनों की मौत में सिर्फ 6 दिन का फासला था। क्या इसे सिर्फ भगवान की मर्जी समझ लेना चाहिए या फिर कोई ना कोई प्लानिंग इसके पीछे थी, कोई ना कोई बड़ी साजिश इसके पीछे थी? और इसी बात का जिक्र सुशांत अपनी मौत से पहले कर रहे थे कि वो लोग अब मुझे भी नहीं छोड़ेंगे। मतलब सुशांत को पता था कि दिशा की मौत के बाद उनका नंबर भी आ चुका है। पांचवी वजह, ये वजह आप सबको हैरान कर देगी। दिशा अपने बॉयफ्रेंड रोहन रॉय से शादी करने वाली थी, शायद इसी फरवरी में दोनों की शादी की प्लानिंग थी। ये बात खुद दिशा की मां ने एक इंटरव्यू में कही थी। वहीं सुशांत की मौत के बाद रिया ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि सुशांत रिया से शादी की प्लानिंग कर रहे थे। अब भाई कोई शादी की प्लानिंग कर रहा है, इसका मतलब वो खुश है, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, अपना परिवार बनाना चाहता है, तो भला ऐसे में वो खुदकुशी क्यों करेगा, चाहे वो दिशा हो या फिर सुशांत। छठी वजह, अक्सर हम देखते हैं कि अगर कोई खुद को मारता है तो उस वक्त वो घर में अकेला होता है, मगर यहाँ दोनों ही केस में मरने वाले घर में अकेले नहीं थे। दिशा पार्टी में थी तो दिशा के साथ उनका बॉयफ्रेंड था, उनके कई दोस्त भी उनके साथ मौजूद थे। तो ऐसे में दिशा कैसे 14वीं मंजिल से कूद गई और किसी को कुछ भी पता नहीं चला, ये हैरान करता है। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।